इस बात से तो आप इनकार कर ही नहीं सकते कि दुनियाए सियाहत में गिलगित बल्तिस्तान अपनी मिसाल आप है। गिलगित के हसीन वादियाँ सियाह के लिए काबिल रश्क है। बहुत ही कम लोग होंगे जो गिलगित बल्तिस्तान की तरफ रुख करना नहीं चाहेंगे। क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में यहाँ के बाशिंदों को किस कदर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? और आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि इस हालत में टेम्परेचर किस लेवल में होगा। शदीद सर्दी से महफूज रहने के लिए यहाँ के जफाकस लोग सर्दियों के आगाज़ से कबल लकड़ी जमा करना शुरू करते हैं। दोस्तों, गिलगित के पहाड़ों में रहना कोई आसान काम नहीं है। सख्त सर्दियां बाशिंदों के लिए बहुत से चैलेंजेस लाती है। गिलगित बल्तिस्तान अपनी शानदार खूबसूरती और सुकून के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ ज़िंदगी आसान नहीं है। सर्दियों में लोग लकड़ी इकट्ठा करने के लिए नालों में जाते हैं। लकड़ी तक पहुंचने के लिए उन्हें 7 से 8 घंटे का पैदल सफ़र करना पड़ता है। शदीद सर्दी में लकड़ियाँ जमा करते हुए 7 से 8 दिन गुजारते हैं। ये काम बहुत ही मुश्किल है और बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लकड़ी जमा करने के बाद जमा की हुई लकड़ियाँ गधों पर लाद के घर लाते हैं। दोस्तों, आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि हिमालय में ज़िंदा रहने के लिए लचक और अज़म का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ अपने मामलाते ज़िंदगी को बरकरार रखने के लिए बहुत से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये दस्तावेजी फिल्म सर्दियों के दौरान हिमालय के बाशिंदों को दरपेश मुश्किलात और बका के लिए लकड़ी जमा करने की उनकी जदोजहद को जाहिर करती है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, आपकी बड़ी नवाजिश होगी।